फिल्म में माइक ही ले लिया और आपसे एक सवाल पूछना था, तो जब्बू दादा ने ही जाके पढ़ी है तो उनको पूछा था कितनी गर्लफ्रेंड, तो उस पर ही पैकअप कर सबसे पहले उनसे मेरा तारुफ हुआ था होंठों से छू लो तुम। हम लोग छोटे थे और वो जो आवाज़ जो मैंने मखमली आवाज़ सुनी थी, ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि वो आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। और उस दिन से आई फेल इन लव विद जगजीत साहब्स वॉइस एंड गज़लों से मेरा जो प्यार बना बाद में, वो शायद आई वुड से थैंक्स टू जगजीत साहब। जब फिल्मों में आई तो उनसे मिलना चाहती थी, क्योंकि उनकी उन्होंने बहुत सारी मेरी फिल्मों के लिए गाया भी, और उनका और गुलजार साहब की जो जोड़ी है वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी अभी गुलजार साहब से भी मिली, तो जगजीत साहब से मैं खास आई मेट हिम ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ माई फिल्म, और फिर उसके बाद फिर से मिली। पंजाबी और जब पंजाबी मिलते हैं तो एक वॉर्म्थ एक अलग तरह की होती है, और उसे हम निग्गापन कहते हैं, कि एकदम ऐसे बहुत प्यार से बहुत वॉर्म्थ से मिलना, तो वो उनमें एक बेबाकपन एक वॉर्म्थ एक प्यार था। एंड आई रियली मिस हिम, आई रियली मिस हिज वॉइस, आई मिस हिज कॉन्सर्ट्स, बिकॉज मैं और मेरा भाई, वो भी आज खास आया है देखने के लिए, वी आर वी बीन आर्डेंट फैंस ऑफ जगजीत साहब। उनके अंदर का जो एक ठहराव है और जो वो एंजॉय, आई थिंक उन्हें कहा जाता है कि वो भारत के सबसे पहले रॉकस्टार रहे हैं। उनको लोग सुनते थे, चाहे उनकी पंजाबी टप्पे हों चाहे गज़लें हों, ही वॉज फैबुलस इन वॉट एवर ही सैंग। और बीच में वो जो पॉज ले लेते थे या रुक जाते थे, तो लोगों की सांस रुक जाती थी कि अब आगे क्या गाएंगे। सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल क्वालिटी अबाउट हिम। बोलते भी अच्छा थे, गाते भी बहुत, ऑफ कोर्स आई मीन दैट वाज मैजिक। आज की ये जो स्क्रीनिंग है, आज का मौका आप कितना एंजॉय करने वाले हैं? बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं वो जगजीत साहब के मुरीद हैं और देखना चाहेंगे ये फिल्म। मैंने पंचमदा की फिल्म देखी है ब्रह्मा की, वो बहुत सुंदर फिल्म है, और मैं कब से उनका सर खा रही थी कि जगजीत साहब की फिल्म कब दिखाएंगे, एंड आज ये मौका आया तो आई जस्ट रश्ड फ्रॉम अनदर मीटिंग टू बी हियर एंड आई रियली वांट टू वॉच। मामी फैन चल रहे हैं और आपकी शॉर्ट मूवी प्लस माइनस को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है, बहुत ही अच्छे से कमेंट्स को, एक यूनिक कमेंट जो मिले हैं अब तक जो अप्रिशिएट किया गया है। मुझे लगता है 15 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो जाना अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यू है, और वो एक जो तबका है जो भुवन बाम के फैंस रहे हैं बिग, वो शायद उनको भी जानना मैंने शुरू किया, दैट टीनेज ग्रुप, और उनके इतने सारे मैसेजेस। एक दिन शायद मेरा कुछ नंबर लीक हो गया कुछ, तो एक दिन इतने 100 के ऊपर कॉल्स आ गए, सर ये कहाँ से आए, सो दैट वॉज क्विकली माई पी आर टीम डिस्पेंड, अरे ये क्या हुआ, एंड देन वी हैड टू शट इट ऑफ। But that was the love that I got for that film, and it feels nice कि आप हर बार आपको अलग audience अलग film के लिए प्यार देती हैं। I think I'm new to this field, but अभी मेरी 2 short films already released हैं, और मुझे लगता है click of your finger and आप सबको कह देते हैं बजाइए कि आओ हमारी theater में film देखो, आप कहते हैं कि ज़रा ये लिंक दबाओ और देख लो, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बट मज़ेदार लगता है कि 15 मिनट में आपने कितना कुछ कह डाला और बहुत खूबसूरती से कह डाला। और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में शॉर्ट फिल्म्स तो बहुत अच्छे से काम करते हैं कि देखो और निकलो। Thank you.
स्टार्ट करेंगे, आप इस फिल्म के कैप्टन ऑफ शिप हैं, जब तक सर की बात होती है क्या कुछ जहन में आता है आपके? दिल में उनके गाने गाने का मन करता है, उनकी ज़िंदगी देखने का मन करता है, और यही हमने किया है फिल्म में कि उनके जो गाने का इतना एक जो पीक पहुंचा, उसके पीछे क्या क्या हुआ कि किस 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 दौर से उनको गुजरना पड़ा, किस तरह की मेहनत, किस तरह का लगन, किस तरह की इंसानियत निकाल के सामने लानी पड़ी उन्होंने, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट फिल्म में है। कि अभी मैं अगर अपना फ़ोन निकालूंगा तो मेरे फ़ोन में भी एक फोल्डर है जगजीत सिंह सॉन्ग्स। हम लोग एक्चुअली अर्ली 90s में बड़े, जब हॉस्टल में थे ना तो हम लोग जगजीत सिंह साहब के गज़लों गानों पर ही बड़े हुए हैं। हमारे हॉस्टल में हम जब एक्टिंग स्टूडेंट थे, हमें एक टेप रिकॉर्डर मिलता था जिसकी हमें एक कैसेट मिल रही थी कि इस पर आप स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उस पर कोई स्पीच की प्रैक्टिस नहीं करता था। सब लोग विजन एल्बम रिलीज़ हुआ था, विजन वॉल्यूम 1 एंड विजन वॉल्यूम 2, बस वो पूरा दिन भर, शाम को जब हम अपनी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग क्लासेस ख़त्म करके हॉस्टल वापस आते थे, शाम को सबके कमरों में सिर्फ जगजीत सिंह बज रहे होते थे। सो हम तो बड़े हुए हैं उनके म्यूज़िक पे, तो जैसा सर ने कहा कि गाने का मन करता है, आई थिंक उनकी सिंगिंग की खासियत ये है कि आप उनकी गज़ल ना सिर्फ सुनते तो हैं, लेकिन जो सच में उनके फ़ैन हैं वो गाना भी चाहते हैं साथ में। So, मतलब उसको एक्सपीरियंस करने का मन करता है, मतलब उनकी गज़ल ऐसी है और गायकी ऐसी है और माशाल्लाह आवाज़ ऐसी है ना कि वो मतलब वो अपने अंदर उसको लेने के लेने का पीने का घोलने का मन करता है हमेशा। और हॉस्टल में तो ऐसा होता था ना, दोस्ती यारियां झगड़े पैचअप होते रहते थे, तो जब दोस्ती यारी झगड़ों के बीच में जगजीत सिंह साहब बहुत काम आते थे। बिल्कुल, कई सारे रोमांस में बहुत काम आए हैं, रोमांस में कई मैं कई कई लोगों की ज़िंदगी जानता हूँ जिनमें दो लोगों का साथ में पैचअप नहीं आना भी साथ में हुआ, पैचअप तो हुआ ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एक से एक गजल, मतलब मुझे याद है हम जब हॉस्टल में थे तो हम प्लेस के लिए ट्रेन से सफ़र करते थे, तो झुकी झुकी सी नज़र तो चलता ही था, फिर ये बता दे मुझे ज़िंदगी क्यों इस तरह, प्लस उसके बाद फिर और ज़्यादा कुछ बहुत मौजूद होते, मुझे याद है वो एक सॉन्ग था उनका, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो फिल्मी गाने हो गए, हम नॉन फिल्मी गानों की भी बात कर रहे हैं उनकी। सो वो कोई मुकाबला नहीं है। आपके सामने स्क्रीनिंग है सर, क्या उम्मीदें रखते हैं आप इस स्क्रीनिंग से, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के? ये फिल्म बनाने का वजह यही रहा है कि जगजीत सिंह को जिस तरह से हम प्यार करते हैं जानते हैं, और इस तरह के लेजेंड का एक जो लेगेसी होता है वो कायम रहे, और कायम कैसे रहे जब हम उनके बारे में जानेंगे, तो ये फिल्म वो साइड से आपको रूबरू करवाता है जो आप नहीं जानते हैं। आप जगजीत सिंह को जानते हैं एज ए मशहूर गायक, बट वो किस तरह से गायक बने या कैसे उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, मैनेज किया, किस किस क्राइसिस से गुजरे, किस तरह के टर्न्स हुए उनकी ज़िंदगी में, वो सब कैसे उन्होंने मैनेज किया, किस तरह से एक ज़िंदगी जिया जो एक इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए, और लेगेसी तो है ही है हमारे लिए। तो बस यही सब करके हमारी उम्मीद ये है कि लोग आएंगे, जो भी जगजीत सिंह को चाहने वाले हैं वो आएंगे, फिल्म देखेंगे और इस फिल्म को और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए।